मुंगेली भारत के छत्तीसगढ़ राज्य का एक महत्वपूर्ण शहर है। मुंगेली छत्तीसगढ़ का एक ऐसा जिला भी है जो राज्य का पहला महिला प्रधान जिला है। पुराने समय में मुंगेली शहर बिलासपुर जिले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था, परंतु 1 जनवरी 2012 को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मुंगेली शहर को जिले का दर्जा दिया गया। आज के समय में मुंगेली जिला 3 तहसीलों में विभाजित है। लोरमी, मुंगेली तथा पथरिया शामिल है। मुंगेली जिला कई सारे पड़ोसी जिलों से भी घिरा हुआ है। मुंगेली के उत्तर पूर्व में बिलासपुर जिला, दक्षिण में बेमेतरा जिला, पश्चिम में कवर्धा जिला तथा मध्य प्रदेश स्थित है। मुंगेली शहर छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर से 100 किलोमीटर दूर तथा भारत की राजधानी नई दिल्ली से 1100 किलोमीटर की दूरी पर आगर नदी के किनारे बसा हुआ है। लगभग 2750 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए मुंगेली जिले की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 7 लाख से ऊपर थी। मुंगेली जिले की 25% आबादी शहरों में निवास करती है, जबकि 75% आबादी गांव में रहकर अपना जीवन यापन करती है। धार्मिक दृष्टिकोण से मुंगेली जिले में 92.4% हिंदू, 3.2% मुसलमान, 1.50% ईसाई, 1.8% सिख, अतः 2.30% अन्य धर्म के लोग निवास करते हैं। मुंगेली जिले की साक्षरता दर 64.75% है। इसे ये पता चलता है कि मुंगेली जिले के ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे वर्ग के हैं और यहाँ पर शिक्षा संस्थानों में डॉक्टर जेपी मिश्र राजकीय विज्ञान कॉलेज, शासकीय नवीन कॉलेज, मिनी माता कॉलेज, राजीव गांधी गवर्नमेंट कॉलेज, सुखनंदन कॉलेज एवं सोनकर कॉलेज यहाँ की प्रमुख शिक्षा संस्थान है। मुंगेली जिले में प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 974 महिलाएं हैं और यहाँ बोले जाने वाली मुख्य भाषाएं हिंदी और छत्तीसगढ़ी ज़्यादातर बोले जाते हैं। इतिहास पर नज़र डालें तो पता चलता है मुंगेली शहर कभी रतनपुर के कलचूरी राजवंश का ही हिस्सा हुआ करता था। हालांकि बाद में फड़े नागवंशी राजाओं ने इस क्षेत्र को कब्जा कर लिया। आज के समय में मुंगेली शहर छत्तीसगढ़ के सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहरों में गिना जाता है। कहा जाता है कि मुंगेली शहर 142 साल पुराने राज्य की सबसे बड़ी तहसीलों में से एक है। मुंगेली शहर अपने सड़क मार्ग के जरिए बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग जैसे कई अन्य शहरों से जुड़े हुए हैं, जिनके जरिए आप मुंगेली शहर तक पहुँच सकते हैं। मुंगेली जिला अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों के लिए भी जाना जाता है। हर साल लाखों सैलानी मुंगेली जिले की खूबसूरती को देखने आते हैं। आइए जानते हैं वो कौन सी पर्यटक स्थल है जिनके बिना मुंगेली जिले का भ्रमण अधूरा है। नंबर 1, खुड़िया जलाशय। खुड़िया जलाशय मुंगेली जिले की सबसे खूबसूरत पर्यटक स्थलों में से एक है। आपको बता दें, खुड़िया जलाशय मुख्यतः अपने रिवर डैम के लिए जाना जाता है, जो यहाँ की मनियारी नदी पर बना हुआ है, जो मुंगेली शहर से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक लोकप्रिय पिकनिक स्पॉट है, जहाँ स्थानियों के साथ साथ आसपास के पर्यटकों का भी आगमन होता है। शिवघाट, मनियारी नदी के तट पर बसे लोरमी की प्राचीन नगर पर स्थित शिवघाट हजारों लोगों की आस्था का प्रतीक है। मुंगेली जिले के इस पावन धाम में लगभग 300 वर्ष पुरानी शिवलिंग की अति प्राचीनतम मूर्ति विराजमान है। हर वर्ष महाशिवरात्रि के मौके पर यहाँ 7 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है, जहाँ दूर दराज से लोग पहुँचकर इस मेले का आनंद लेते हैं। शिवघाट मुंगेली शहर से लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर लोरमी तहसील में स्थित है। सेतगंगा, मुंगेली जिले की सबसे खूबसूरत धार्मिक स्थलों में से एक सेतगंगा मुंगेली जिले का तीर्थ कहलाता है। 10वीं-11वीं शताब्दी के दौरान फड़े नागवंशी राजा ने यहाँ श्री राम जानकी मंदिर और सेतगंगा कुंड का निर्माण कराया था, जो आज के समय में मुंगेली जिले का सांस्कृतिक महत्व का तीर्थ है। सेतगंगा मुंगेली शहर से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर टेसुआ नाला के पास स्थित है। मुंगेली के इन सभी पर्यटक स्थलों के अलावा आप कहीं अन्य पर्यटक स्थलों का भी भ्रमण कर सकते हैं, जिसमें हथनी कला मंदिर, मोतीमपुर अमर टापू, खर्रा घाट, सत्यनारायण मंदिर, अचानक मार्ग एवं मनकुद्वीप यहाँ के अन्य प्रमुख दर्शनीय स्थल है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।